हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ओम प्रकाश सांत फ्रॉम टीम सीएलसी। तो देखो बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे मेजर 6 out of 11। तो देखो आज के मेजर के अंदर देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, द करेक्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सिलिकन फास्फोरस क्लोरीन और सल्फर। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो किसी भी गैसीय एटम के आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो दी जाने वाली एनर्जी है उसको आप क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलोगे, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होती है, साइज डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर अपन फर्स्ट पीरियड या सेकंड पीरियड की बात करें तो एलिमेंट आपके पास सेकंड पीरियड के कौन से, सिलिकन फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन, ठीक है। तो देखो फास्फोरस की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सल्फर से क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि फास्फोरस क्या रखता है, स्टेबल हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन रखता है, जिसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, किससे, सल्फर से। तो एक्चुअल में इसका आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आईई ऑर्डर क्या होगा, सिलिकन की सबसे कम, यहां पे एक्सेप्शन होगा, फिर सल्फर, सल्फर से ज्यादा फास्फोरस और क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसका रीजन यही है, हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तो देखो सबसे ज्यादा होगी क्लोरीन की, तो देखो क्लोरीन है थर्ड नंबर पे, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। तो देखो ये थर्ड नंबर पे ज़्यादा है, उसके बाद में देखो किसकी ज़्यादा होगी, फास्फोरस की, तो उसके बाद में देखो फास्फोरस की ज़्यादा है, और उसके बाद में सल्फर, सल्फर की है, और सबसे कम क्या है, सिलिकन की 780। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्पीसीज हैव पॉलीहैलाइड आयन, यानी कि पॉलीहैलाइड आयन कौन सी स्पीसीज बना रही है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, Ki3 एंड Cl3। तो देखो पोटेशियम I3, Ki3 के अंदर आयोडाइड आयन है, वो पॉलीहैलाइड आयन बना लेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर F3-1 पॉलीहैलाइड आयन नहीं बनेगा, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। सेकंड TLI3 और CGM-Br3। तो देखो इसमें थेलियम इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो I3-1, तो ये पॉलीहैलाइड आयन हो गया, और इधर CGM+1 और Br3-1, तो CGM फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +1, और Br3-1 ये वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, तो अपनी वैलेंसी को एक्सपांड कर लेगा, और ये पॉलीहैलाइड आयन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अगेन थेलियम F3, ये अब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल अब्सेंट रहता है, जिसकी वजह से ये पॉलीहैलाइड आयन नहीं बनेगा, और ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बनाएगा, तो इसमें क्लोराइड आयन क्या रहेगा, Cl-1 में रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ AgCl एंड AgI, यानी AgCl और AgI का मिक्सचर है, उसको आप किस कंपाउंड से सेपरेट कर सकते हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो KCN, AgCl प्लस AgI ये मिक्सचर है, और इस मिक्सचर को आप
KCN के साथ रिएक्ट कराओगे तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, दोनों क्या कर लेंगे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर HNO3 की बात करें तो HNO3 में ये क्या रहेंगे, इनसोल्यूबल रहेंगे, बट अमोनिया के अंदर क्या होगा, अमोनिया के अंदर AgCl है, वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा तो क्या बनेगा, AgNH3 का होल ट्वाइस 2+1, तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, बट AgI है वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इट मींस इसको आप अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के द्वारा इनको आप सेपरेट कर सकते हो। इट मींस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बेरिलियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलरिटीज इनकरेक्ट, कौन सी सिमिलरिटी इनकरेक्ट है, BeOH2 लाइक AlOH3 इज बेसिक, जबकि ये क्या होती है एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। सेकेंड, Be2C लाइक Al4C3 ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव मैथेन, बिल्कुल सही है, यानी कि इनका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, मैथेन का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही Al4C3 का भी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, मैथेन का फॉर्मेशन होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। बेरिलियम लाइक एल्यूमिनियम इज रेंडर्ड पैसिव विथ कंसंट्रेटेड HNO3, यानी कि ये आपस में दोनों मेटल्स हैं, ये अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो कंसंट्रेटेड HNO3 से इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो बेरिलियम है एल्यूमिनियम की तरह सांद्र HNO3 के साथ क्या होगा, निष्क्रिय होगा। फोर्थ है, बेरिलियम लाइक एल्यूमिनियम डिजोल्व इन NaOH सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, दोनों के NaOH सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन इज गलत। बाकी आप बता भी सकते हो कि बेरिलियम अगर रिलीज करेगा तो 2 OH- रिलीज करेगा, ये 3 OH- रिलीज करेगा, ठीक है, उससे भी आप बता सकते हो कि ये पहला गलत है, बाकी ये क्या है एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के नहीं होते, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर करेक्ट, कौन सी रिएक्शन क्या है करेक्ट है, ये आपसे पूछा है। पहला है क्लोरीन की, ये यहाँ पे है कंसंट्रेटेड और हॉट NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1 और यहाँ पे क्लोरीन का क्या है +5 है, तो ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड, फॉस्फोरस की इसी के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो ये भी डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -3, ठीक है, तो सेकंड भी क्या है करेक्ट है। थर्ड है सल्फर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2, ठीक है, तो ये भी क्या डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा, लेकिन कार्बन NaOH के साथ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, यानी कि ये फोर्थ गलत हो गया, तो कौन से स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैव इंटीग्रेटेड रेट लो ए नोड माइनस का ए टी इज इक्वल टू क्या होगा के इंटू टी। ए नोड यहाँ पे क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए टी क्या है आफ्टर टी टाइम बाद में कंसंट्रेशन, के क्या है रेट कॉन्स्टेंट, टी क्या है टाइम। तो पूछा क्या है हाफ लाइफ रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल जीरो रिएक्शन का हाफ लाइफ रेट क्या होगा टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉड अपॉन टू के। तो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। बाद में आप लिख सकते हो ए टी इज इक्वल टू ए नॉड माइनस का के टी, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि सेकेंड भी क्या हो गया सही हो गया। और जीरो रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, इट मीन्स उसकी जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो रेट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दीज फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन द यूनिट सेल ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, यानी कि कैल्शियम फ्लोराइड है ये फॉर्मूला है, इसको देख के आप बता सकते हो कि कौन सा एटम कहाँ पे है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कैल्शियम प्लस टू आयन है वो तो क्या होता है एफसीसी अरेंजमेंट पे होता है, एफसीसी अरेंजमेंट, और फ्लोराइड आयन है वो क्या होता है ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होता है। ठीक है, तो एफसीसी अरेंजमेंट का मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हो गए, इसके अंदर एटम हो गए 4, और आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम और टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या रिलेशन होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 2 times ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे आपके पास 4, तो 2 × 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो इसके अंदर कैल्शियम प्लस टू आयन तो क्या है 4 है और फ्लोराइड आयन कितने 8, तो देखो कौन सा ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, 4 कैल्शियम प्लस टू आयन एंड 8 फ्लोराइड आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, यानी कि इसके अंदर कोवलेंट और आयनिक दोनों होने चाहिए। तो देखो NaCl है तो ये जब ब्रेक डाउन होगा तो किस में होगा Na प्लस प्लस Br माइनस 1, तो इसमें सिर्फ आयनिक करेक्टर है, ठीक है ना, यानी कि आयनिक बॉन्डिंग है। सेकेंड बेरियम साइनाइड, तो BaP प्लस 2 आएगा प्लस 2Cn माइनस 1, तो जो साइनाइड है इसके अंदर क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, तो इसमें एक आयनिक बॉन्ड भी हो गया और साइनाइड Cn माइनस के अंदर ये कोवलेंट बॉन्ड भी हो गया, तो इसके अंदर दोनों बॉन्डिंग होती है। थर्ड में PCl5 में क्या होगा ओनली कोवलेंट होगा और ये एथेनॉल में ओनली कोवलेंट होगा, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट ए आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, हेंस आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए, यानी कि ये आपको रिलेशन पता होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने की कई मेथड्स है, उसके अंदर एक मेथड्स है जिसमें आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दे रखी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू क्या होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाई 2। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपको कितनी देर की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है x और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है y, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x IP आपसे पूछा है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है y बाई 2, तो IP क्या हो जाएगा 2x माइनस का y, इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बॉन्ड ऑर्डर से,
तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपको देख रहे हैं तो NO2+1, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, जिसमें से एक क्या हो गया, रिलीज हो गया, तो कितने हो गए, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, जिसमें से एक रिलीज हो गया तो कितने बचे, 4, बाकी दो लोन पेयर है तो दो डबल बॉन्ड से जोड़ दो तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये तो बात होगी NO2 प्लस की। सेकेंड NO2 की बनाते हैं, तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 4 तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा। फिर है NO2-1, डबल बॉन्ड से अटैच कर दो और यहाँ पे एक लॉन पेयर रह जाएगा, तो इस लॉन पेयर की वजह से लॉन पेयर बॉन्ड एंगल में रिपल्सन होगा, तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। तो इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, इसका अप्रोक्सीमेट 120 और ये लेस देन 120 डिग्री एंगल। ठीक है, इट मीन सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा होगा NO2+1, फिर NO2 और फिर NO2-1, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एनओ बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उसके अंदर क्या है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करेंगे प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, एनओ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और एनओ का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पे NO2 का फॉर्मेशन होगा, और NO2 का O2+H2 की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन कराऊंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, HNO3 का, तो यहां पे A तो क्या बन गया, NO, B क्या बन गया, NO2, और C क्या बन गया, HNO3, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन अपन करते हैं तो वो रिएक्शन आपको दे रखी है, इट मीन्स कौन सा ऑप्शन सेकेंड होगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हाँ तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अपन, दिए गए आरेख में प्रजाति एक्स तथा वाई का अभिक्रिया एक्स वाई के लिए सांद्रता का समय के फलन के रूप में प्रदर्शित किया गया है, दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु प्रदर्शित करता है, यानी कि ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आपसे पूछा है तो मैं इसको बताता हूँ आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन देखो, एक्स क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो इसकी एक्स से वाई को रिएक्शन है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नोड वो कितनी है, 0.4, आफ्टर टी टाइम बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी रह गई, 0.2, तो ये जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या होगी, हाफ होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड वह टाइम जिस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाए, हाफ हो जाए, इट मीन्स क्या दिया है, ये टाइम आपको टी हाफ गिवन है, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द पी के ऑफ एसिडिक एसिड एंड पी के बी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर 4.76 एंड 4.75 रेस्पेक्टिवली, पीएच ऑफ अमोनियम एसिडेट सॉल्यूशन, तो देखो अमोनियम एसिडेट सॉल्यूशन है, इसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, CH3 एसिडिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोल्ट है वो किससे मिलके बना है, वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है। ठीक है, तो इसकी पीएच कितनी होती है, इसकी पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 होगी जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो। ठीक है, और ये जो सोल्ट है इसकी जो पीएच है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड है नहीं करेगी, तो इसका पीएच का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पीएच इक्वल टू क्या होगा, 7+ ½ pKa − ½ pKb, तो पीएच इक्वल टू क्या हो गया, 7+ ½ pKa की वैल्यू कितनी दे रही है आपको, 4.76 माइनस हाफ पी के बी की वैल्यू कितनी दे रही है आपको, 4.75, तो इसको अप्रोक्सीमेटली सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 2.5
37, 38 आएगा, ठीक है। और ये इसको आप अप्रोक्सीमेटली जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 2.375, ठीक है। तो जब इसकी पीएच देखोगे तो ये थोड़ा सा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और इट मीन्स पीएच है वो 7 से ज्यादा आएगी। इट मीन्स कौन सा दे रखा है आपको, सेकेंड ऑप्शन 7.005, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया 20। अब नेक्स्ट इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, H2SO4 जो 98% बाई वेट आपको गिवन है, सॉल्यूशन हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 देर की एज ए डेंसिटी, नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4, H2SO4 सॉल्यूशन की आपको नॉर्मलिटी है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको वेट बाई वेट परसेंट दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है इंटू 10 अपॉन मोलर मास, मोलर मास किसका, सोल्यूट का, और सोल्यूट यहाँ पे क्या होता है H2SO4 है, और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98 ग्राम पर मोल। तो देखो मोलरिटी क्या हो जाएगी, W बाई W परसेंट कितना देर का है 98, इंटू डेंसिटी कितनी देर की है 1.8 इंटू 10 अपॉन मोलर मास कितना देर का है 98, तो 98 से 98 कैंसिल आउट, और इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास मोलरिटी कितनी आएगी 18। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको तो नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर, और एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर आप किससे देखते हो, रिप्लेसिबल एच प्लस आयन से, H2SO4 में रिप्लेसिबल एच प्लस आयन कितने हैं 2 है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 × 2 कितना हो जाएगा 36। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 36 आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वैलेंसी फैक्टर ऑफ Fe2 इन द गिवन रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन के अंदर आपको वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो आप किससे करोगे, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से आप देखोगे कि वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन दे रखी है Fe2, इसके अंदर आप आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा +2 और सल्फाइड पे क्या आएगा -2, तो ये दो सल्फर का -2, तो एक सल्फर का क्या आएगा -1 आएगा, एक सल्फर पे क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है, और आयरन पे क्या आएगा +2। यहीं से देख लेते हैं +O2 से क्या होगा Fe2O3 +SO2, यहां पे आयरन पे क्या आएगा +3, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। यहां पे दो सल्फर पे -2, तो एक सल्फर पे क्या आएगा -1, आप क्या करते हो -2, यहां पे सल्फर का क्या है +4 है, तो आप -2 से +4 देखते हो, लेकिन आप यहां पर सल्फर एटम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो इसकी -1 आएगी, तो -1 से आपको किस में जाना है +4 में जाना है, तो बताओ इसका एन फैक्टर नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, एक सल्फर के लिए 5, लेकिन सल्फर कितने हैं 2, पर मॉलिक्यूल से आपको चेंज निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ये कितना हो गया 10, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो क्या आ जाएगा 1 + 10 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे EN है, वो क्या है एथिलीन डाइएमिन है, एथिलीन डाइएमिन, ठीक है, जो क्या होता है बाइडेंटेड लिगेंड होता है, क्या होता है बाइडेंटेड लिगेंड, जिस
तो इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखो तो 2 इंटू 2 4 प्लस क्लोरीन का डेंसिटी कितनी हो जाएगी 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6, इट मीन 6 है तो क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो होगा ही होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, तो इसका एक तो सिस फॉर्म और दूसरा क्या बनेगा इसका ट्रांस फॉर्म, एक तो सिस एंड ट्रांस, तो आप चेक करो इसकी मैं अगर ज्योमेट्री बनाऊं तो क्या होगा, सीओ सेंट्रल एटम है, पहले इसकी सिस फॉर्म बना लेता हूं मैं, क्लोरीन क्लोरीन ईएन और ईएन, ये तो इसका गया सिस फॉर्म, और इसकी ट्रांस फॉर्म बनाऊं मैं तो सीओ सीएल सीएल ईएन ईएन, ये इसकी क्या होगी ट्रांस फॉर्म होगी, ठीक है। तो दो आइसोमर तो होगी, अब इसका आप मिरर इमेज लोगे तो क्या होगा, ये सुपर इम्पोजिबल होगा, तो ये इसका स्टीरियो आइसोमर, इसका मिरर इमेज नहीं बनेगा, तो एक तो सिस हो गया एक ट्रांस हो गया, इसका मिरर इमेज बनाओगे तो वो स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज है और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहे। अब ये देखो इसका आप मिरर इमेज लोगे तो क्या होगा, सी एल सी एल सी ओ ई एन और ई एन, तो ये तो इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया और ये इसका लेवोरेट्रोटरी हो गया, तो कितने आइसोमर है, एक वन टू और थ्री, तो इसके टोटल जो त्रिविम सिमाई होंगे वो कितने होंगे, तीन होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, थ्री। तो इसी के साथ बच्चों अपना ये डिस्कशन खत्म होता है, उम्मीद करता हूँ आपकी जी मेन की एग्जाम बहुत अच्छे से चल रहे होंगे, जी एडवांस की आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेंद्र वर्मा, टीम केमिस्ट्री, आपके मेजर टेस्ट 6 में केमिस्ट्री पार्ट में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपके कोई डाउट रह गया है तो आप ये वीडियो सॉल्यूशन अच्छे से देखें और उस डाउट को क्लियर करें ताकि फ्यूचर में आपके वो डाउट नहीं रहे, ठीक है बेटा। अब बड़े आराम से क्वेश्चंस को देखें, सुने कि टीचर किस तरह से उसे सॉल्व करवा रहा है, अगर आपका कोई डाउट है कहीं कोई कॉन्सेप्ट गलत रहा है तो आप उसे सही करें, करें शुरू बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं मैं आपको वो सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके इस पेपर में 6 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन्स इज मोस्ट एसिडिक, निम्नलिखित में से कौन सा समावयवी हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा अम्लीय है, सबसे ज्यादा अम्लीय एसिडिक पूछा है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे हमारे पास कोई एक एसिड है H+ रिलीज करेगा और एक एनायन में कन्वर्ट हो जाए, ये एसिड है ये कॉन्जुगेटेड बेस है, ऑन इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, संयुग्मी अम्ल की स्थायित्व बढ़ाने से अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाती है, यानी कि पूरा का पूरा गेम ये डिसाइड करता है बेटा, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी इसका एसिड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, और कॉन्जुगेटेड बेस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, H+ को रिलीज करना होगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए पहले पार्ट में आपको ये डिसाइड करना होगा कि कहां से H+ रिलीज करने से एक स्टेबल एनायन बनता है, ये आपको डिसाइड करना होगा। जैसे इसकी हम बात करें तो मैं यहां से H+ हटा सकता हूं, मैं यहां से भी H+ हटा सकता हूं, ऐसा क्यों बोला,
क्योंकि अगर मैं यहां से H प्लस हटाऊंगा तो मुझे यहां पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा जो रेजोनेंस कर रहा है, एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। अगर मैं यहां से इसको हटाता हूं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यह भी इसके साथ रेजोनेंस करेगा जो एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से मैं किसी एक को लूंगा। और इन दोनों की बात करूं तो इस पर यहां पर इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई, तो इन दोनों को कंपेयर करूं तो इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, बेटा यहां वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि एनायन बनने से प्लस आई इफेक्ट एनायन की स्टेबिलिटी को थोड़ा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बात समझ में आ रही है, मैं यहां से इसको हटाऊंगा तो सबसे पहले मैं यहां पर नेगेटिव लाऊंगा, किसको हटा करके, H प्लस को हटा करके। अब हम सेकंड की बात करें, सेकंड में देखें यहां से मैं H हटा करके नेगेटिव ला सकता हूं जो रेजोनेंस कर रहा है, देखें ऐसे कर रहा है रेजोनेंस। और क्या कंडीशन हो सकती है बेटा इसके अंदर, मैं यहां से H प्लस हटा सकता हूं। देखो मैं ये एग्जांपल यहां ले लेता हूं, यहां से मैंने H प्लस हटाया तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से रेजोनेंस कर रहा है, कर रहा है। तो इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं, इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर रिजल्ट कौन दे रहा है, देखो यहां पर हटाओगे तो ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगी, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, और इसको अगर हटाओगे तो ये देखें ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है। तो सीधी सी बात है, जिसने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर दी है वहां से हाइड्रोजन हटाना हमारे लिए सही होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसकी बजाय हमें यहां से इसे हटाना चाहिए। तो मैं इसको भी ले लेता हूं यहां से, इसकी मैं बात करूं तो इन दोनों को अगर इसको लेते हैं तो ऐसा रेजोनेंस आएगा, और अगर मैं इसको लेता हूं यहां से हाइड्रोजन हटाता हूं कुछ इस तरह से रेजोनेंस आएगा। तो कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना बेटर होगा, बेटा ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करना बेटर होगा। ठीक है, यहां वाले को ले लेते, इसकी बात करें अगर इसको रिमूव करेंगे तो इस तरह का बनेगा, अगर हम यहां से इसको देखें ऐसा हो सकता है इसके अंदर, एक और देखें ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें तो दो ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है, चाहे इसको 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 लोगे तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, इसको इधर भी ले जा सकते हो, इसको इधर भी ले जा सकते हो, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट इसको रिमूव करना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। अब ये चार एनायन तो हमने बना लिए कि कौन सा एनायन अब सबसे ज्यादा स्टेबल है ये चेक करना है। देखो इस एनायन का जब आप रेजोनेंस करवाएंगे, रेजोनेंस तो होगा लेकिन रेजोनेंस होने से इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी ना। देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई इसकी, अब ये बेंजीन रिंग नहीं है। यहां देखें अगर आप इसका इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह का, तो आपको यहां पर एक एरोमेटिक रिंग मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, एरोमेटिक रिंग मिलेगा, 6 pi इलेक्ट्रॉन यहां पर कंप्लीटली डीलोकलाइज हो जाएंगे, यानी कि अब जो एनायन बना है ये एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। अब हम बात करें इसकी, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, किसी तरह से कोई एरोमेटिसिटी नहीं है,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आए तो किसी तरह से कोई एरोमेटिसिटी नहीं आएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आएंगे तो भी किसी तरह से कोई एरोमेटिसिटी नहीं आने वाली है इसके अंदर, ठीक है। देखो किसी तरह ऐसे ऐसे देखो, ये देखो ये वाला, ऐसी कंडीशन कहीं बन रही है क्या इसके अंदर? नहीं बनेगी बेटा इसके अंदर। अच्छा इसमें, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, इसमें तो किसी तरह से कोई चांस ही नहीं है। आप इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो ये डबल बॉन्ड बाहर रह गया, इसको यूज करोगे तो भी कुछ नहीं बनने वाला है। देख लो, करके देख लो ना, देखो अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे, क्या ये पोर्शन एरोमेटिक है? नहीं है, नहीं है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्जुगेटेड बेस है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है? ये बेटा बात समझ में आ रही क्यों है? क्योंकि जब ये रेजोनेंस कर रहा है तो एक स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है एरोमेटिक। मैंने क्या कहा था, कोई भी कंपाउंड H+ रिलीज करने के बाद कॉन्जुगेटेड बेस संयुग्मी क्षार में बदलता है, वो कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड का एसिड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो इस कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी इन तीनों से ज्यादा है, इसका मतलब ये जिस कंपाउंड से बना है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। और ये आपके पास आंसर कौन सा दे रहा है बेटा? सेकेंड आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेवंथ क्वेश्चन आपके पास है, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? ये देखो हैलोजन डेरिवेटिव है ना, हैलोजन डेरिवेटिव आते ही दिमाग में आना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा, एलिमिनेशन तो नहीं हो रहा, ये सब चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। एराइल हैलाइड है, ये यहां न्यूक्लियोफाइल है, एराइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा जा सकता है। अच्छा एराइल हैलाइड की ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा जा सकता है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ रही है? एराइल हैलाइड की ऑर्थो पैरा पोजिशन पर स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। यह न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके इसको रिमूव कर देगा, रिएक्शन कौन सा होगा? ए आर एस एन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसके बेस पर आपके पास कौन सा आंसर आ रहा है जरा चेक कीजिए बेटा, कौन सा आंसर आ रहा है? देखो ये दोनों ऑर्थो ऑर्थो और ये देखिए ध्यान से देख के चलना बेटा, क्या लग रहा है? थर्ड आंसर, क्या लग रहा है बेटा? थर्ड आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एराइल हैलाइड है, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हम किसके बारे में सोच सकते हैं? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल भी है तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके इसको रिमूव कर देगा। An organic compound A on reduction gives a compound B, which on reaction with chloroform and NaOH forms C. The compound C on catalytic reduction gives N-methyl aniline. The compound A is carbonic yogic A, अपचयन के बाद यौगिक B देता है जो chloroform और NaOH के साथ C बनाता है, यौगिक C उत्प्रेरक की अपचयन के बाद N-methyl aniline देता है, तो यौगिक A हमारे पास क्या होगा? चलो हम एक एक करके इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है? रिडक्शन। भाई नॉर्मली अपन बात करें तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हम पढ़ते हैं, साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन हम पढ़ते हैं, इस ग्रुप का रिडक्शन पढ़ते हैं, इसमें यहां तो रिडक्शन नहीं होता, बेंजीन में होता है, वो भी रेयर चांस के अंदर करते हैं, तो इसको तो हम इग्नोर ही कर देते हैं, ये तो भूल ही जाओ, इसको तो भूल ही जाओ आप। इसके रिडक्शन से क्या मिलेगा? NH2। इसके रिडक्शन से क्या मिलेगा? CH2NH2। इसके रिडक्शन से क्या मिलेगा? CH2NH2। ये तो मिलेगा रिडक्शन से, पहले रिडक्शन करवाना है और फिर क्या करवाना है? विच ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH,
क्लोरोफॉर्म एनी वैसे प्राइमरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी अमाइन, तीनों प्राइमरी अमाइन बने। प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन कौन सी शो करता है? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो जब आप इसमें क्लोरोफॉर्म और NaOH ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? Nc में। ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? CH2Nc में कन्वर्ट होगा। ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? CH2Nc में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ गई? यहां तक पहुंच गया मैं। ये कंपाउंड कहां तक पहुंचे थे? ये तो कंपाउंड बी में पहुंचे थे बेटा, ये तो बी कंपाउंड था, और ये आ गया आपके पास सी कंपाउंड, ये आ गया आपके पास सी कंपाउंड। अब क्या कह रहा है? द कंपाउंड सी ऑन कैटालाइटिक रिडक्शन, सी का फिर रिडक्शन करना है, आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करना है। अब देखें बेटा, पहले से क्या बनेगा? फर्स्ट से आपको क्या मिलने वाला है? फर्स्ट से आपको मिलेगा NaHCS3, फर्स्ट से ये मिलेगा। सेकंड से आपको क्या मिलेगा? सेकंड से आपको मिलेगा CH2NHCS3। थर्ड से क्या मिलेगा? यही सेम, थर्ड से भी यही आंसर आने। ये आपके पास क्या आ गया? C on catalytic reduction gives N methyl aniline, तो ये रहा N methyl aniline, तो किससे मिला है? ये फर्स्ट से मिला है। आंसर कौन सा आएगा आपके पास? फर्स्ट आएगा। बात समझ में आई? पहले रिडक्शन करवा दिया NH2 CH2 NH2 CH2 NH2, फिर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करवाई NC CH2 NC CH2 NC, उसके बाद फिर कैटालाइटिक रिडक्शन करवाया। कैटालाइटिक रिडक्शन जब आप करवाएंगे तो NHCS3 CH2 NH CS3, और यहां पर भी CH2 NH CS3 बनेगा। तो आपसे प्रोडक्ट क्या बनाने के लिए कहा गया था? N मिथाइल एनिलीन बोला गया था। ये रहा N मिथाइल और ये रहा एनिलीन। आंसर कौन सा आएगा आपके पास? फर्स्ट आंसर आ जाएगा बेटा। एक और रिएक्शन आपके पास है, देखें। सबसे पहले आप यहां क्या करवा रहे हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा ये? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। क्या बनेगा पहले इसके अंदर? एल्काइन के केस में जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो क्या बनता है पहले? इनॉल फॉर्म बनता है। क्या बनता है बेटा? इनॉल फॉर्म बनता है। तो रूल कौन सा लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। ये बनेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। आपने क्या कर दिया? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बन गया, ये इनॉल फॉर्म आ गया बेटा। तो इसमें टोटोमेराइज करवा देते हम। तो CH2CHO, ये X बना लिया मैंने। ये क्या बना लिया? X बना लिया। X का रिएक्शन किसके साथ करवाना है? CH3NH2 के साथ करवाना है। ये रिएक्शन करेगा CH3NH2 के साथ, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। कौन सा प्रोसेस होगा वाटर मॉलिक्यूल जाने का? पूरा प्रोसेस कौन सा होगा? पहले होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और उसके बाद होगा एलिमिनेशन। पहले होगा नाभिक सनेही योग, उसके बाद होगा विलोपन। तो एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस। अपन सिलेबस की बात करें, एनसीईआरटी में आपके पास जो हेडिंग है वो कौन सी है? अमोनिया व्युत्पन्न से रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव। कौन सा चैप्टर? कार्बोनाइल कंपाउंड। वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर चला जाएगा, पीएच सीएच टू सी एच डबल बॉन्ड एन सी एच थ्री आपको मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब इसमें क्या ऐड करने के लिए बोला है? एच टू एंड निकल। इसमें जब आप एच टू निकल ऐड करेंगे तो रिडक्शन करना है। रिडक्शन किसका होगा? सी डबल बॉन्ड एन। सी डबल बॉन्ड एन जो आपके पास है इस इमाइन फॉर्म का रिडक्शन हो जाएगा। तो पी एच सी एच टू सी एच टू एन एच सी एस थ्री, ये आपके पास आंसर आया वाई। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है? पी एच सी एस टू सी एस टू एन एच सी एस थ्री, कौन सा आंसर आ रहा है? सेकेंड। पी एच सी एस टू सी एस टू एन एच सी एस थ्री, कौन सा आंसर आया बेटा आपके पास? सेकेंड आंसर आया। बात समझ में आ गई? पहला पोर्शन क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, किसका? एल्काइन का। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप इसमें क्या कर देंगे? वाटर का एडिशन करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में।
इनॉल फॉर्म बनेगा, इनॉल फॉर्म को टोटेमराइज करके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वहां पर एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस अप्लाई करके आप प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट का रिडक्शन करो, वही आंसर आपके पास आ जाएगा। टेंथ क्वेश्चन देखिए आप, ये ईस्टर कंपाउंड है, ईस्टर साइक्लिक ईस्टर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है। ईस्टर में जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में लिया जाता है तो क्या फाइनल आंसर क्या आता है? 3 डिग्री अल्कोहल। फाइनल आंसर क्या आता है बेटा ईस्टर से? 3 डिग्री अल्कोहल। अब ध्यान से देखें क्या होगा इसके अंदर। ये ईस्टर है, ये जो पीएच है ये यहां पर अटैक करेगा, कितने पीएच अटैक करेंगे? 2 पीएच अटैक करेंगे और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पहले एक बार पीएच अटैक करेगा, फिर रिएक्शन होने के बाद दूसरा पीएच एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इसको जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर रहेगा बेटा, ओ एमजीबीआर और 2 बार पीएच इस पर अटैच हो चुका होगा। ईस्टर में 2 बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करता है बेटा, और यहां पर आपके पास आ जाएगा ओ एमजीबीआर अटैच। अब आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो ये ग्रुप यहां से चला जाएगा, ये ग्रुप यहां से चला जाएगा और ये ओ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? OH में। अब देखो जरा इस जैसा कौन सा है, इस जैसा कौन सा है बेटा, देखो जरा फर्स्ट आंसर कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट आंसर आ जाएगा बेटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नंबर 1 पर क्या अटैच है? OH और डबल पीएच, OH और डबल पीएच, ठीक है। और ये जो कार्बन था इस पर OH अटैच था और एक सी, ये वाला एक OH अटैच। आंसर क्या आ गया इसमें? फर्स्ट। बात समझ गए? ईस्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में ऐड करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में ऐड करेंगे, ईस्टर आर सी ओ ओ आर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब आप इसमें ऐड करते हैं तो इसके 2 मोल्स यहां पर अटैक करते हैं, ये ग्रुप यहां से चला जाता है, ये यहां चला जाता है और फाइनल आंसर आता है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और देख लेते हैं हम क्वेश्चन, और नहीं केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं। एक ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, निम्न अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद आपको बताना है बेटा। पहली रिएक्शन आपको क्या लग रही है? FCR, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। पहली क्या है? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा? टॉलोइन। इसमें ये A है, कौन सी रिएक्शन से बना? फ्रिडल क्राफ्ट। इसमें आप क्या करेंगे? NBS ऐड करेंगे। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा NBS ऐड करेंगे तो? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एट बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, और इस सब्स्टिट्यूशन से आपको यहां पर हैलोजन डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब क्या करना है? इसकी रिएक्शन OH के साथ करवानी है। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ये इसको यहां से इस तरह से रिप्लेस कर देगा तो CH2OH क्या आ जाएगा? CH2OH आ जाएगा बेटा। बात समझ में आ गई? ये A था, ये जो बनाया ये Q है, ये जो बना है ये R है। अब R में आप क्या ऐड कर रहे हैं? MnO2। MnO2 क्या है? एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चयनात्मक ऑक्सीकारक है। किसका सिलेक्शन करता है? एलाइलिक अल्कोहल का और बेंजाइलिक अल्कोहल का। MnO2 एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकता है, बेंजाइलिक अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है। ये एक बेंजाइलिक अल्कोहल है, इसलिए यहां पर MnO2 अपना काम कर देगा। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा प्राइमरी अल्कोहल का, इसकी हेल्प से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी अल्कोहल का इसकी हेल्प से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन बनता है। क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है इसलिए यहां पर आपको क्या मिलने वाला है? एल्डिहाइड मिलने वाला है। क्वेश्चन क्या है आपके पास?
एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद, यानी कि आपको एस के बारे में पूछा जा रहा है, ये आपके पास एस है बेटा। अब देखो इनमें से कौन सा आंसर आपके पास आ रहा है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, कौन सा आंसर आ रहा है बेटा, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। बात समझ में आ गई, पहली रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन कौन सी है, FCR, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन के बाद हमने क्या कर दिया, इसमें NBS से रिएक्शन करवाया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। इसके बाद क्या करवाया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या करवाया हमने, ऑक्सीडेशन। क्या ये स्ट्रांग ऑक्सीडेशन है या माइल्ड ऑक्सीडेशन है, माइल्ड ऑक्सीडेशन है, मंद ऑक्सीकरण है बेटा। स्ट्रांग होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, एल्डिहाइड बना है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया MnO2। MnO2 सिलेक्टिव ही होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ पैरा एमिनोफिनॉल विद एरिन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। एरिन डाइजोनियम क्लोराइड है, अमीनो ग्रुप भी है और फिनोलिक ग्रुप भी आपके पास है बेटा। कौन सी रिएक्शन होगी, कपलिंग युग्मन अभिक्रिया, कौन सी रिएक्शन होगी, कपलिंग युग्मन अभिक्रिया होगी बेटा, युग्मन अभिक्रिया होगी। बात समझ रहे हैं आप, युग्मन अभिक्रिया होगी। अब OH के लिए कपलिंग रिएक्शन करवानी है तो एल्कलाइन मीडिया होना चाहिए, NH2 पर कपलिंग रिएक्शन करवानी है तो एसिडिक मीडिया होना चाहिए, OH के ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, NH2 के भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर रिएक्शन होती है। चलो इन कॉन्सेप्ट को इस पर अप्लाई करते हैं। कपलिंग रिएक्शन है, रिएक्शन टेक्स प्लेस एट पोजीशन सेकंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। इसका ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है बेटा। आपसे पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट, ध्यान रखना फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है, सेकंड पोजीशन पर होगा और सिक्स पोजीशन पर होगा, दोनों में से कहीं भी करवा दो आप, सेकंड सिक्स में से। सेकंड देखें, रिएक्शन टेक्स प्लेस एट पोजीशन थर्ड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि NaOH एल्कलाइन मीडिया है, एल्कलाइन मीडिया लेने पर फिनॉल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, फिनॉलिक ग्रुप के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, तो थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पर रिएक्शन हो सकती है, थर्ड पर भी हो सकती है, फिफ्थ पर भी हो सकती है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है बेटा। नो रिएक्शन अकर्स, ये तो हो ही नहीं सर, रिएक्शन तो हो रही है ना, रिएक्शन तो हो रही है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, आंसर आपके पास थर्ड आ गया बेटा। चलो फोर्थ और देख लेते हैं, फोर एजो ग्रुप्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल, अणु में चार एजो ग्रुप लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। जब आप इस पोजीशन पर रिएक्शन करवाएंगे तो दो एजो ग्रुप यहां अटैच हो जाएंगे और दो एजो ग्रुप यहां पर अटैच हो जाएंगे, ये अटैच होंगे एसिडिक मीडिया में और ये अटैच होंगे एल्कलाइन मीडिया में, ऐसे अटैच होंगे ना बेटा। ये ऐसे ही तो अटैच होगा, और एजो ग्रुप को अटैच किया जा सकता है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। तो आपका आंसर था कौन सा, थर्ड आंसर कौन सा आ गया, थर्ड आंसर आ गया बेटा, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन डी में जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ गिवन कंपाउंड विल बी, नीचे दिए गए यौगिकों के कुल त्रिविम समावेवी कितने होंगे। अब आप देखें इसमें आपके पास क्या है, ये आपके पास मॉलिक्यूल जो है इसमें ये तीन कायरल सेंटर है, इनमें से बीच वाला जो है शूडो कायरल है, बीच वाला कैसा है, शूडो कायरल है, आभासी या क्षदम किरिल केंद्र है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, और ये सिमेट्रिक है, सममित है बेटा, इसके इधर और इधर दोनों पार्ट सेम है, इसके इधर ठीक है सममित है। अब इसमें एन की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो एन की वैल्यू कितनी होगी, इसमें थ्री होगी, थ्री मतलब कौन सा नंबर आ गया, ये ऑड नंबर आ गया, विषम संख्या में। तो ऐसे केस में जब आपके पास सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो और ऑड नंबर दिया हो एन की वैल्यू, तो आपसे क्या पूछा गया है,
टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछा गया है, त्रिविम समावेवियों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है, तो त्रिविम समावेवियों की कुल संख्या अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए आ जाए ऐसे केस में, तो सीधा सीधा है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2^n-1। बात समझे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहा है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, तो अलग कंडीशन होती। टोटल नंबर ऑफ मीजो आइसोमर्स, तो अलग कंडीशन होती। दोनों को मिलाने के बाद जो एक्चुअल आपसे पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आपसे पूछे गए हैं, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहां किसके बारे में बात हो रही है, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ। तो आपके पास ये फॉर्मूला है 2^3-1 2^2, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आंसर आ जाएगा। बात समझने की कोशिश करें बेटा, कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो, ऑड नंबर हो, सममित अणु हो, विषम संख्या दे रखी हो, और आपसे पूछा गया हो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कुल त्रिविम समावेवी, तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब आंसर तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, अगर पूछा जाए, अगर पूछा इसका नहीं, अगर पूछा जाए, तो आपके पास, मैं आपको इसके अंदर वो फॉर्मूला बता देता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपके पास आंसर किससे आएगा, 2^n-1 -2^n-1/2। ये फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कुल प्रकाशिक सक्रिय समावेवियों की संख्या बताने में हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ मीजो आइसोमर्स इसी क्वेश्चन में, तो आपके पास आंसर आएगा मीजो आइसोमर्स के लिए, ये इस कंपाउंड के लिए मीजो आइसोमर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहां तो आपसे स्टीरियो आइसोमर पूछा है, आंसर क्या चला गया आपका, 4। एक और क्वेश्चन आपको इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस इन विच वन ब्यूटीन फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट, वन ब्यूटीन मुख्य उत्पाद के रूप में बननी चाहिए। चलो देख लेते हैं इसमें। ये ईस्टर कंपाउंड है, देखो ध्यान से, ईस्टर कंपाउंड को हीट कर रहे हो, रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, पाइरोलाइसिस, ताप अपघटन। और यहां पर ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये लिविंग ग्रुप इसको छोड़ के चला जाएगा, वन ब्यूटीन बन गया। यहां पर क्या है, ये क्या है, परोक्सी एसिड है, परोक्सी एसिड इसको इस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्साइड ऑफ टर्शरी अमाइन बन गया। इसको अगर हम हीट करेंगे, इसको अगर हम हीट करेंगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉप रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉप रिएक्शन हो जाएगी। इसमें ये लिविंग ग्रुप है, ये इसको छोड़ जाएगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो आपके पास यहां पर भी वन ब्यूटीन ही बन रहा है। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम आयन, यहां पर भी आपको एलिमिनेशन ही करना है। ये लिविंग ग्रुप है, अल्फा बीटा, ये भी आपको क्या दे रहा है, वन ब्यूटीन ही दे रहा है। इसके अंदर भी सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ये अल्फा, ये बीटा। तो बेटा जी, चारों की चारों रिएक्शन ऐसी हैं जो वन ब्यूटीन बना रही हैं, चारों रिएक्शन वन ब्यूटीन बना रही है, चारों, कहीं कोई इसके अंदर, इसमें ये लिविंग ग्रुप है, चारों पूछा गया था वन ब्यूटीन, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4। न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन आपकी 4, ठीक है।
तो ये आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। फिर भी अगर पेपर में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा है तो आप वीडियो को बेटा अच्छे से चेक करें कि आपका क्वेश्चन गलत क्यों हुआ या आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, ताकि फ्यूचर में आप उस प्रॉब्लम से बच जाएं। थैंक यू। जय सीएलसी।